वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जरा ध्यान से देखिएगा इसको और हिम्मत रखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। क्या बोल रहा, बोल रहा कि एबीसीडी जो है हमारा एक स्क्वायर है, एबीसीडी जो है हमारा एक स्क्वायर है जिसके वर्टिक्स में चार्ज क्यू रखा गया है, जिसके वर्टिक्स में चार्ज क्यू रखा गया है। क्लियर है? पॉइंट पी जो है हमारा एक्सियल पॉइंट है, पॉइंट पी जो है हमारा एक्सियल पॉइंट है, किसके एक्सियल पॉइंट, इस स्क्वायर का कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, जिस पे चार्ज माइनस क्यू रखा गया है। क्लियर है? आपको फाइंड करना है वर्टिक्स पर रखा गया चार्ज के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वर्टिक्स में रखा गया चार्ज के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। क्लियर है? अब जरा ये वाला जो क्वेश्चन है जरा ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम, पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है क्योंकि ये 3D क्वेश्चन है और 3D हम बोर्ड में बना नहीं सकते पूरी तरीके से, तो समझने के लिए हिम्मत रखिएगा और बस हिम्मत रखो यार, समझ में आ ही जाएगा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये सवाल। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए ये स्क्वायर है जिसके वर्टिक्स में चार्ज क्यू रखा गया है, जिसके वर्टिक्स में चार्ज क्यू रखा गया है। अब क्या बोल रहा है कि पॉइंट पी जो है मेरा वो एक्सियल पॉइंट, ये पॉइंट पी कहां पर है? देखिए एक्सियल का मतलब क्या होता है, ये अगर हमारा स्क्वायर है तो इसके एक्सिस ये हुआ, इसके एक्सिस ये पॉइंट, अगर ये स्क्वायर है तो इसके एक्सिस ऐसा आएगा यहां पर, और यहां पे पॉइंट पी है हाँ, जिस पर ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज सभी कोई फोर्स लगा रहे होंगे इस पर। क्लियर है? इस पर जो है सभी चार्ज फोर्स लगा रहे हो, तो यहां पर रखा गया चार्ज के कारण, सॉरी यहां पर रखा गया, यहां पर रखा गया चार्ज पर इस चार्ज के कारण फोर्स कितना लगेगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब वो टब भी नहीं, जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। अगर आपको फोर्स चाहिए इस पर तो कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, तो ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज, चार चार्ज है हमारे पास, पांचवा रखा हुआ चार्ज पर फोर्स लगा रहे होंगे। क्लियर है? अगर आपको कूलम्बिक फोर्स चाहिए तो हमको दो चार्ज चाहिए और एक डिस्टेंस चाहिए, तो ई वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा, तो चार्ज तो है हमारे पास, अब ये डिस्टेंस चाहिए ना हमको कि आखिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। अगर डायगोनल जो है, डायगोनल को बाइसेक्ट करते हुए हम डिस्टेंस माने ए, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, मतलब अगर ये ए है, इसके एक्सिस पे पॉइंट पी है जो कि कितना डिस्टेंस पे है, वो है एक्स डिस्टेंस पर। क्लियर है? अब ये पॉइंट पी हुआ, यहां पे चार्ज है और यहां पे दूसरा चार्ज, इस पर फोर्स लगाना है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, हमको ये डिस्टेंस चाहिए ना, यहां पर रखा हो इस चार्ज के कारण ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अगर ये हमारा ए है, ये हमारा एक्स है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहां से भी अगर देखते हैं हम लोग ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब ये वाला भी जो होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया। उसी तरह यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, फिगर थोड़ा होचपोच हो जाएगा तो हम उसको नहीं बनाएंगे, पहले दो के लिए देख लेते हैं फिर जनरलाइज कर देंगे इसको। क्लियर? अच्छा अब बताइए फोर्स कितना होगा, इसको मिटा देते हैं, जरा ध्यान से देखिए अब फोर्स कितना होगा, फोर्स ये चार्ज इस पर फोर्स कितना लगाएगा, अगर हम बोल रहे हैं कि F1 लगा रहा है तो F1 का वैल्यू क्या होगा, तो के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, बोले तो यह आ जाएगा हमारे पास के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर F1 आ गया। उसी तरह से F2 भी निकाल लेते हैं हम लोग, F2 का भी वैल्यू सेम आना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो यह आ जाएगा F2 इक्वल टू के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह F3 भी हो जाएगा और उसी तरह से F4 भी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा
ये आ गया F1 F2 F3 F4। अच्छा अब क्या होगा, जरा टोटल फोर्स निकालते हैं। चार वेक्टर है हमारे पास, चारों का रिजल्टेंट निकालना पड़े, मतलब चारों को मिला के रिजल्टेंट चाहिए हमको। जरा ध्यान से वापस से देखिए इस चीज को, क्योंकि यहीं पे सब कुछ खेला है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। एक मेरा स्क्वायर हो गया, ये सेंटर था ना, अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग, ये आ रहा है हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना आ रहा है, क्लियर है ये। अब जो है अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे क्यू चार्ज है, तो ये क्या करेगा, खींचेगा कि धकेलेगा। तो भैया खींचेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, दूसरा फोर्स इधर की तरफ, तीसरा इधर आता और चौथा जो इधर आ जाता। अब जरा ध्यान से देखिए, और अगर ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो इसका इधर की तरफ क्या है कंपोनेंट, F1 cos थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा, F1 sin थीटा। उसी तरह अगर ये थीटा बन रहा है, तो इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, इधर की तरफ F2 sin थीटा और इधर की तरफ F2 cos थीटा, है ना। अब क्या देख रहे हैं कि F1 sin थीटा F2 sin थीटा को क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट। ये क्या हो जा रहा है, cos थीटा cos थीटा क्या हो जा रहा है, ऐड। उसी तरह से अगर हम लोग F3 और F4 को लेते हैं, तो उसका साइन कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। अगर हम बोले कि टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू, सॉरी माइनस क्यू ना, टोटल फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं क्या हो जाएगा कि टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू, हम लोग बोलेंगे हो जाएगा 4 KQQ / A² + X² × cos थीटा, यह आ जाएगा हमारा टोटल फोर्स। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 KQQ / A² + X² × cos थीटा। थीटा का वैल्यू निकाला, तो cos थीटा का अगर ये थीटा होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हो गया x और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा A² + X². तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 KQQ / A² + X² / 3/2 × x, क्लियर है, यह आ गया हमारा फोर्स।